नमस्कार दोस्तों, ऑटो स्प्रे पेंट लाने में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और इस वीडियो में मैं पेंट करूंगा इस डिस्क प्लेट और रोटर को। और इधर आप देख सकते हैं मेरा डिस्क प्लेट और रोटर का क्या हाल हो गया है, पेंट पूरा गया है। तो इसको मैं अभी ब्लू कलर पेंट करूंगा। सो लेट्स स्टार्ट। अभी इधर ये पार्ट जो है ये अलॉय व्हील के अंदर पड़ता है, तो बाहर से दिखता नहीं है, तो इसको मैं पेंट नहीं करूंगा। और ये मैंने ऑलरेडी डिसमेंटल करके रखा हुआ है रोटर और प्लेट को, ताकि पेंट मारने को मुझे आसान पड़ेगा। अभी मैं इधर पहले यूज़ करूँगा 220 ग्रिट सैंड पेपर। और ये 220 ग्रिट सैंड पेपर लेके मैं पहले जिधर किधर भी मैं पेंट लगाऊंगा उधर सब जगह पे सैंडिंग करूँगा। तो इधर मैं डालूंगा मेरे क्लॉथ्स ग्लव, क्योंकि बहुत ही इधर मुझे मेरी उंगली डालनी पड़ेगी, तो ऐसे ग्लव्स डाल के सैंडिंग करने को मत भूलिएगा, इससे आपका हाथ प्रोटेक्ट हो जाएगा। तो इधर मैंने चालू कर दिया है मेरा सैंडिंग, और जहाँ भी आप पेंट करना चाहते हो उधर सब जगह पे आपको सैंडिंग करना पड़ेगा। तो इधर सैंडिंग करके मेरा हो गया है, अब मैं इसको अच्छी तरह से धोऊंगा। तो पार्ट्स धोके मेरा इधर हो गए हैं और ये सूख गए हैं। अब मैं इसके ऊपर मास्किंग करूंगा। तो मास्किंग करने के लिए आपको ऐसे रोटर पे ऊपर पेपर रख के आपको पहले एक राउंड जैसा मार्किंग लेना है, इससे आपको आसान गिरेगा मास्किंग करने को। अब इधर मार्किंग लिया है, उसी लाइन पे आपको एक सीजर लेके कट करना है। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने कैसे इसको कट किया है पेपर को। अब मैं इसको टेप लगाऊंगा। अभी दोनों साइड में टेप लगा के मेरा हो गया है। अब मैं एक्स्ट्रा पेपर जो है वो कट करके अलग कर दूंगा। अब इधर ये पार्ट जो मेरे रोटर पे लगता है ये प्लेट, उधर मैं पेंट नहीं करूंगा, नहीं तो वो टिक से अंदर नहीं जाएगा, इसीलिए मैं इधर उस पार्ट को मास्किंग कर रहा हूँ। तो प्लेट को मास्किंग करके मेरा इधर हो गया है। इधर आप देख सकते हैं कैसे मैंने इसको मास्किंग किया है। इधर वो रोटर लगेगा, इसलिए मैं उस पार्ट को पेंट नहीं करूँगा। तो अब मैं मास्किंग करूँगा मेरे रोटर को। इधर आप देख सकते हैं ये जो प्लेसेस है इधर मेरी प्लेट लगेगी, तो उधर मैं मास्किंग करूँगा, क्योंकि नहीं तो मेरे प्लेट का फिटिंग ठीक से नहीं होगा। तो इधर आप देख सकते हैं रोटर का मेरा मास्किंग करके हो गया है। तो जितना अच्छा आपका मास्किंग होगा उतनी अच्छी आपकी फिनिश आएगी, तो मास्किंग अच्छी तरह से करिएगा। अब एक वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके मैं इस पूरे प्लेट को अच्छी तरह से वाइप करूंगा, और जिधर की भी मैंने सैंडिंग किया है या जिधर भी मैं पेंट मारूंगा उधर सब जगह पे आपको एक वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके अच्छी तरह से वाइप करना है, ताकि इस प्लेट या रोटर के ऊपर जो भी वैक्स या ग्रीस कुछ है वो सब निकल जाएगा, और इससे आपका प्राइमर जो है वो अच्छा बॉन्डिंग कर देगा प्लेट के ऊपर। और अपने रोटर को भी अच्छी तरह से वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके वाइप करने को मत भूलिएगा। अब मैं मिक्स कर रहा हूँ मेरा प्राइमर। तो प्राइमर खोल के आपको पहले टिन में ही अच्छी तरह से मिक्स करना है, क्योंकि आप नहीं जानते ये कितने दिनों से शॉप में था। तो प्राइमर को पहले अच्छी तरह से मिक्स करिएगा। तो प्राइमर मिक्स करके मेरा इधर हो गया है, और बाद में सब प्राइमर जो है अपने स्प्रे गन के कैन में डाल दीजिए, और ढक्कन वापस डालने को मत भूलिएगा। तो स्प्रे गन मैंने कर दिया है लोड, और इधर मैं इसको अभी कनेक्ट करूँगा मेरे एयर होस को, और इधर मैं मेरा PSI सेट करूँगा 24 PSI पे। तो अब मैं चेक करूँगा मेरा स्प्रे पैटर्न, और स्प्रे पैटर्न मैंने बहुत ही कम करके रखा है, क्योंकि बहुत ही छोटी एरिया है, नहीं तो आपका प्राइमर वेस्ट हो सकता है। तो इधर मैंने चालू कर दिया है मेरा प्राइमर मारने को, और इधर मैं यूज़ कर रहा हूँ 1 mm टिप का स्प्रे गन जो है मेरा टच अप स्प्रे गन, क्योंकि बहुत ही छोटी एरिया है, और बड़ा स्प्रे गन अगर मैं यूज़ करूँगा तो सब प्राइमर मेरा वेस्ट हो जाएगा। तो इधर जो टफ एरियाज है उधर मैं पहले प्राइमर मारूँगा, जो कर्व्स है कर्व्स के अंदर है उधर,
नहीं तो ये प्लेसेस छूट जाते हैं और आपका बाद में पेंट जॉब अच्छा नहीं दिखता है। तो ये टाइट स्पेसेस में आप पहले स्प्रे करिएगा प्राइमर। और इधर मेरा थोड़ा कैमरा में पोजीशन चेंज करने को भूल गया, तो माफ़ी चाहता हूँ। इधर मैं मार रहा हूँ पेंट मेरे रोटर को। तो इधर मैंने मेरा कैमरा का पोजीशन चेंज कर दिया है और ये प्लेट को मैं अभी ऐसे घुमाऊँगा और दूसरे साइड में भी प्राइमर मारूँगा। और ये रोटर को भी मैंने घुमाया है और इस साइड में मैं अभी प्राइमर मार रहा हूँ। इधर मैं इस रोटर को घुमा सकता हूँ क्योंकि वो साइड मैंने ऑलरेडी मास्किंग किया हुआ है जो सरफेस को लगेगा वो एरिया को, तो उधर अगर प्राइमर निकल भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। इधर आप देख सकते हैं प्राइमर का मेरा एक कोट लगा के हो गया है। अब मैं थोड़ा इसको सूखने को 10 मिनट दूंगा और दूसरा कोट मारूंगा। तो इसको सूख के 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं फिर से इसको टर्न करूंगा और दूसरा कोट प्राइमर का मैं इधर लगाऊंगा। तो इधर आप देख सकते हैं दो कोट मारने के बाद भी कितना प्राइमर मेरा कैन में बचा हुआ है वो। तो इधर आप सिर्फ 10 या 15 ml काफ़ी है ये प्लेट और रोटर को पेंट करने को। तो अभी ये प्लेट और रोटर को मैं एक दिन दूंगा सूखने को और कल मैं चालू करूंगा इसका सैंडिंग। तो इधर मेरे प्लेट और रोटर को एक दिन हो गया है सूखने से और इधर आप देख सकते हैं कितना ड्राई हो गया है वो। इधर आप देख सकते हैं इधर का प्राइमर थोड़ा गया है लेकिन वो मैं टेप निकालने वाला हूँ तो चलता है। और इधर मैं यूज़ करूँगा एक 320 ग्रिड सैंड पेपर और ये दोनों प्लेट और रोटर को सैंडिंग करूँगा। इससे आपका प्राइमर बहुत स्मूथ हो जाएगा और जब आप बेस कोट लगाओगे तो अच्छा फिनिश इस पर आएगा। तो सैंड पेपर मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया है और इसे सैंड पेपर फोल्ड करके मैं मेरा डिस्क प्लेट और रोटर को सैंडिंग करूँगा। इधर आपको इतना भी सैंडिंग करना नहीं है कि आपकी टेप व्यूप सब निकल जाएगी। ये टेप लगाने को बहुत टाइम जाता है, इसीलिए टाइम बचाने के लिए मैंने ये टेप नहीं निकाला है। आप चाहे तो ये टेप निकाल के वाटर सैंडिंग कर सकते हो और बाद में फिर से मास्किंग आपको करना पड़ेगा। तो इधर मैंने थोड़ा शॉर्टकट अपनाया है और इसके ऊपर ही मैं सैंडिंग करूँगा। तो इधर आप देख सकते हैं मैं जो टेप है उधर सैंडिंग नहीं कर रहा हूँ, जो सिर्फ मुझे पेंट लगना चाहिए वही पार्ट पर मैं सैंडिंग कर रहा हूँ। तो ऐसे आपको इसके ऊपर ही सैंडिंग करना है। तो दोनों चीज़ों को सैंडिंग करके मेरा हो गया है। अब मैं एक प्रेशर का हवा लेके इसके दूर जो सैंडिंग करके हुआ है वो निकाल दूंगा। अब मैं एक वैक्स और ग्रीस रिमूवर लेके ये डिस्प्ले और रोटर को अच्छी तरह से वाइप करूंगा। इधर और एक चीज़ मैं आपको बोलने को भूल गया कि आपको इधर ये होल्स जो है इसमें बोल्ट चाहिए, उसमें पेपर डाल के रखिएगा ताकि पेंट इसमें जाके ब्लॉक ना हो जाए। अभी दोनों पार्ट्स मेरे रेडी हो गए हैं पेंट लगाने को, अब मैं मिक्स करूंगा मेरा पेंट। तो इसको मैं पेंट करूंगा मरीना ब्लू कलर। तो इधर आप देख सकते हैं कितना अच्छा शेड है ब्लू का। तो पेंट मिक्स करके मेरा इधर हो गया है, अब मैं डालूंगा इसको मेरे स्प्रे गन में। तो स्प्रे गन मेरा लोड करके हो गया है, अब मैं सेट करूंगा इसका PSI। तो PSI मैं रखूंगा 30 PSI पे। तो सेम स्प्रे गन मैं यूज़ करूंगा 1mm टिप का जो है मेरा टचअप स्प्रे गन। तो अब मैं चेक करूंगा मेरा स्प्रे पैटर्न, और स्प्रे पैटर्न हम जानते हैं मैंने बहुत ही कम करके रखा हुआ है, तो स्प्रे पैटर्न मेरा टिक टाक है। तो इधर आप देख सकते हैं मैंने मेरा पेंट करने को चालू कर दिया है। तो एक चीज़ आपको इधर ध्यान में देना है कि जो भी कर्व सरफेसेस है अंदर के साइड में है उसको आपको पहले लगाना है पेंट, ताकि ये मिस नहीं होने चाहिए और इससे आपका फिनिश अच्छा होगा। तो रोटर के पीछे के साइड में जो है वो पहले पेंट करूंगा मैं, क्योंकि मैं इसको टर्न करके बाद में रख सकता हूं, क्योंकि ये साइड ये टेप लगती है सरफेस पे, तो टर्न करके रखने को कोई दिक्कत नहीं।
तो एक कोट मेरा इधर मार के हो गया है, अब मैं इसको 10 मिनट सूखने को दूंगा और बाद में दूसरी कोट मारूंगा। तो मेरे पेंट को सूख के 10 मिनट हो गए हैं, अब मैं इसको दूसरा कोट मारूंगा। पहले मैं सब टर्न करूंगा, जो रॉन्ग साइड है उस साइड में रखूंगा और लास्ट में जो राइट साइड है उसको मारूंगा। दो कोट मेरे इधर मार के हो गए हैं, अब मैं इसको 10 मिनट दूंगा सूखने को और बाद में इसके ऊपर लगाऊंगा मेरा क्लियर कोट। ये 10 मिनट सूखते सूखते मेरा क्लियर कोट मिक्स करके हो जाएगा। तो अब मैं मिक्स करूंगा मेरा क्लियर कोट। तो मैं क्लियर कोट लूंगा 10 ml। तो क्लियर कोट मेरा मिक्स करके इधर हो गया है, अब मैं डालूंगा इसको मेरे स्प्रे गन में। अब मैं मेरे डिस्क प्लेट और डिस्क रोटर को पोजिशन में रखूंगा, जो बैक साइड है उसको मैं पहले लगाऊंगा क्लियर कोट। तो इधर एक बार क्लियर कोट मारने के बाद इसका पोजीशन आप नहीं चेंज कर सकते हो रोटर का, तो एक साइड में ख़त्म करके बाद में आपको दूसरे साइड में क्लियर कोट लगाना होगा। PSI में रखूंगा 30 PSI पे और सेम स्प्रे गन में यूज़ करूंगा 1 mm टिप का। तो पहले स्प्रे पैटर्न आपका चेक करो और बाद में क्लियर कोट लगाने को चालू करो। तो एक कोट मेरा इधर मार के हो गया है क्लियर कोट का। इधर आप देख सकते हैं ऑलरेडी शाइन आ चुकी है। ये टेप जो है वो मैं बाद में निकालने वाला हूँ, तो इस साइड सरफेस अगर किधर भी टच हो जाए तो प्रॉब्लम नहीं है। और ये डिस्प्ले को आप देख सकते हैं एक कोट मारने के बाद कैसी शाइन आई है। तो अब मैं इसको 10 मिनट दूंगा सूखने को और दूसरा कोट मारने को चालू करूंगा। तो इधर मेरा 10 मिनट हो गया है सूखने के बाद, और ये प्लेट को मैं फिर से रोटेट करूंगा और इस रोटर को और एक कोट में मारूंगा और उसके बाद मैं इसको टर्न करूंगा, क्योंकि एक बार टर्न करने के बाद मैं फिर से उसको टर्न नहीं कर सकता। तो दो कोट मेरे इधर मार के हो गए हैं, इसको टर्न करके वो साइड दो कोट लगाने का बाकी है, लेकिन ये साइड के दोनों कोट हो गए हैं और प्लेट के तो दोनों साइड में दोनों कोट हो गए हैं। तो अब मैं इसको 10 मिनट सूखने को दूंगा और बाद में इसको टर्न करूंगा। तो टर्न करने से पहले ये सब जो मैंने बोल्ट जाते हैं उधर डाले थे वो पेपर के टुकड़े आपको बाहर निकालने हैं। तो ये टर्न करने के लिए इधर मेरे पास एक मास्किंग टेप का ख़त्म हुआ बंडल है, तो उसको मैं ऐसे लगाऊंगा और बाद में इस रोटर को टर्न करूँगा ऐसे। तो इधर आप देख सकते हैं कैसे मैंने ये मास्किंग टेप के ऊपर रखा हुआ है। तो अब मैं चालू करूंगा मेरा पहला कोट इस साइड का। तो एक कोट मेरा इधर मार के हो गया है और इधर आप देख सकते हैं कितना शाइनी ये हो गया हो। ये मास्किंग टेप जो मैंने इधर लगाए हुए है वो क्लियर कोट मार के खत्म होने के बाद मैं निकालने वाला हूँ। तो अभी मैं इसको सूखने को 10 मिनट दूंगा और इसके ऊपर दूसरा कोट लगाऊंगा। तो इधर मेरे 10 मिनट हो गए हैं क्लियर कोट मारने के बाद, अब मैं इसके ऊपर दूसरा और आखिरी कोट लगाऊंगा। तो दूसरा कोट भी इधर मेरा मार के हो गया है और इधर मैं आपको दिखाऊंगा मेरा क्लियर कोट। इधर आप देख सकते हैं पूरा क्लियर कोट मेरा ख़त्म हो गया है। तो इधर आप देख सकते हैं दोनों कोट मेरे मार के हो गए हैं और कितना अच्छा अभी ये दिख रहा है वो। तो इधर मेरा सूख के हो गया है, अब मैं सब मास्किंग निकाल दूंगा। लेकिन ये क्लियर कोट अभी तक टैकी है, आप लगाए तो आपका फिंगरप्रिंट आ सकते हैं, तो ध्यान से आपको निकालना है, ये पेंट को आपको टच नहीं करना है। तो इधर आप देख सकते हैं मास्किंग निकालने के बाद ये कितना अच्छा दिख रहा है वो। तो और भी मास्किंग थोड़ा मेरा इधर निकालना है, तो इसको मैं अभी निकालूंगा। तो इधर एक ब्लेड लेके आपको ऐसे थोड़ा पुश करना है और बाद में ये मास्किंग टेप आपका आराम से ऐसे बाहर निकलेगा।
तो इधर आप देख सकते हैं डिस्क प्लेट के ऊपर से मेरा पूरा मास्किंग निकाल के हो गया है। अब मैं निकालूंगा मास्किंग मेरे रोटर के ऊपर से। तो इस साइड का टेप तो मेरा इधर निकाल के हो गया है, लेकिन दूसरे साइड में टेप निकालने को मुझे रुकना पड़ेगा ये पूरा सूखने तक, क्योंकि अभी मैं ये रोटर हाथ में नहीं ले सकता हूँ क्योंकि ये क्लियर कोट अभी तक टेकी है। तो इधर मेरा रोटर पूरा सूख गया है, अब मैं इसके पीछे के साइड का मास्किंग निकालूंगा। इधर आप देख सकते हैं मेरा रोटर का मास्किंग निकाल के हो गया है। तो अभी इसके ऊपर मैं वो प्लेट लगा के आपको दिखाऊंगा कैसा दिखता है वो। तो इधर आप देख सकते हैं कितना अच्छा अभी मेरा रोटर और डिस्प्ले दिखता है वो। तो इसको कंपेयर करके मैं आपको दिखाऊंगा कैसा ये था और कैसा अभी हो गया है वो। तो इधर आप देख सकते हैं ये कैसा था और अभी कैसा दिख रहा है वो, कितना अच्छा अभी दिख रहा है वो। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आने के लिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपको लेके आता रहूँगा। और कमेंट करने को मत भूलिएगा। और अगर आप इस पेंटिंग प्रोसेस का फुल डिटेल्स में वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उधर जाके आप साइन अप कर सकते हो। तब तक अपना ख्याल रखें, फिर मिलेंगे।